हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों अभी अभी BRBCL KBUNL और NPGCL ने 150 डिप्लोमा ट्रेनिंग की भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। तो दोस्तों इसमें हम बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है और क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने एज क्वालिफिकेशन के लिए है, क्या फ़ीस आपको पे करनी है। तो बन रही है इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, एडमिट कार्ड रिजल्ट निकलते हैं, उसकी आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और आपको टाइप करना है क्रोम में जाके गूगल में gayatrijobs.com और सर्च एयर में डालेंगे BRBCL और सर्च पे क्लिक। इसमें आपको BRBCL का जो थर्ड वाली पोस्ट BRBCL KBUNL PNGCL 150 डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2018 अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इस जो ये पोस्ट है इस पर आप डायरेक्टली पहुंच सके। तो दोस्तों बताते हैं आपको डिटेल में कि इसमें तीन कंपनियां हैं, तीनों ने 150 डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है इसको इन्होंने मिलकर ही इस आवेदन को जारी किए हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको भारतीय जो ये BRBCL जो है इसका नाम जो है भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, जो कि नाभीनगर में है, बिहार में पड़ता है। तो दूसरी जो है KBUNL, इसमें जो है कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है। और तीसरी जो है NPGCL, ये नाभीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है, जो कि औरंगाबाद बिहार में है। तो दोस्तों इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है 150 पोस्ट, और जो इसके अंदर चार आपके डिप्लोमे वालों के लिए इन्होंने लॉन्च किया। जैसे कि सबसे पहले मैकेनिकल की जो है वो 56 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिकल की 55, CNI की है 30, और सिविल वालों के लिए है 9। और इसके अंदर हम सैलरी की हम बात करें तो ड्यूरिंग 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड रखा है एज ए, उसमें 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ देंगे। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड जो आपके बाद होगा आफ्टर 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, इसमें जो सैलरी होगी 15,500 से 3% इंक्रीज करके ये सैलरी देंगे, और जो कि 34,500 तक इनमें सैलरी आपकी रहेगी। एज लिमिटेशन की हम बात करें तो 26 अप्रैल 2018 को जनरल कैटेगरी जो है वो 25 साल की एज इन्होंने मांगी है, और फॉर लैंड क्विटीज़ के जो है 35 साल है, जो कि अपनी जो वहाँ पर रहते हैं बिहार में जो रहते हैं वो जो बाहर चले गए हैं उनके लिए 35 साल की एज इन्होंने बोली है। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स हैं OBC SC ST PWD के लिए जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करें, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 70% उनके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और मैकेनिकल के लिए हम बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा इन रेगुलर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 70% मार्क्स उनके पास होने चाहिए। CNI का लिए हम बात करें तो 3 साल का इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, 70% मार्क्स होने चाहिए। और सिविल वालों के लिए भी रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा, और उनका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग विथ 70% मार्क्स उनके होने चाहिए। डेट्स की हम बात करें, इम्पोर्टेंट डेट्स, तो उसमें जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 16 मई तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। और जो उसके एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो जमा करनी है वो 19 मई तक आप इसकी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं।
एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 14 और 15 जून को होगा, और जो इसके एडमिट कार्ड है दोस्तों वो अभी अवेलेबल नहीं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कब होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है, सबसे पहले पटना, कोलकाता, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और मुजफ्फरपुर, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे दोस्तों। इसके जो सेंटर आपको बनना है, जो भी आपके पास पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप इन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। जितने भी जो एग्ज़ाम इन्होंने होना है 14-15 जून को, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसमें जो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो हमने यहाँ पर PDF लगाया हुआ है दोस्तों, तो आप इस PDF को रीड कर लें कि हाउ टू अप्लाई इसमें हमें दिया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है। जो उनकी साइट है वो है http://dtjvrecruitment.nic, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दो स्टेप में आपको फॉर्म सबमिट करना है। फर्स्ट स्टेप में आप जो अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, सेकंड स्टेप में आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, और इसका लिंक हमने नीचे भी दिया हुआ है। ये पूरा आप एक बार ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लें। और अप्लाई करने के लिए आपको हमारे जो ये अप्लाई ऑनलाइन का हमने लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इसके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इनकी जो वेबसाइट है ये ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपको थोड़ा ये केयरफुली आप इसको रीड कर लें। इसमें इन्होंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कैंडिडेट्स अपने नेम, एड्रेस, इन्फॉर्मेशन डालेगा। सेकंड स्टेप में अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह फिल करेगा, और जो फ़ोटोग्राफ का सिग्नेचर जो है उनकी जो साइज़ रहेगा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का, सर्टिफिकेट जो है उनका साइज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ की हम बात करें तो 50 KB से 80 KB तक, और JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको 50 से 80 साइज़ में, और जो कि JPG और JPEG में होगा। सर्टिफिकेट जो होंगे आपके में भी आपको 50 से 100 KB में आपको इसके अंदर अपलोड करने हैं। थर्ड स्टेप में जो बैंक की आपको जो फीस है वो आपको पे करनी है, जो कि आप 24 से 36 घंटे एप्लीकेशन जो फॉर्म है करने के 24 से 36 घंटे के अंदर आपको फ़ीस सबमिट करनी है। और इसके बाद आप आई एग्री पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उनका जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले डिप्लोमा आपका किस चीज़ का आपका डिप्लोमा है। अपने अकॉर्डिंग आप जैसे मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपका जो पोस्ट कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कंपनी प्रीफ्रेंस जो आपको किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है, वो एक तीन कंपनी दी हुई है, इन तीन कंपनी में से जिसको भी आपको अप्लाई करना है उस अप्लाई पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि भारतीय रेल, हम इस पर आप क्लिक कर रहे हैं। सेकंड प्रीफ्रेंस आपको किसको देना है वो आप सेकंड कंपनी में डाल देंगे, और थर्ड प्रीफ्रेंस किसको देना है वो थर्ड आपको यहाँ से चॉइस कर लेना है। नेक्स्ट जो चलेंगे फिर कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम डालना है आपको, अपना मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर दोबारा से, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालना है, और जो ये कैप्चर लगा हुआ है इसको आपको जो 24K2K12 डाला हुआ है ये आपको नीचे टाइप करना है। स्मॉल लेटर में स्मॉल, कैपिटल में है तो कैपिटल लेटर में आपको टाइप करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने सेकंड स्टेप आएगा जिसमें कि आपके फ़ोटो अपलोड करना है, अपने जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। थर्ड स्टेप में आपको जो फीस है वो आपको सबमिट करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में कोई मिलते हैं आपको कोई नई वैकेंसी के साथ या रिजल्ट या एडमिट कार्ड के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।